नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। ये है हमारे पास एक्सजेड प्लस मॉडल और आज इसका रिव्यू करेंगे। तो इसका जो परचेसिंग एक्सपीरियंस था, गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें हम आप आज दिखाने वाले हैं इस गाड़ी में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं भाई, ये है एक्सजेड प्लस मॉडल। ठीक है, तो ये है एक्सजेड प्लस मॉडल जिसमें कि आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे इस गाड़ी में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी गाड़ियाँ आपके लिए बताते रहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है टाटा का एक्सजेड मॉडल और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एक्सजेड में इसमें सनरूफ नहीं मिलता है और पूरी तरह से ये टॉप मॉडल कहलाती है। तो एक बार ही मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का लुक फ्रंट से, कुछ इस तरह से जो गाड़ी का लुक निकल करके आता है टाटा अल्ट्रोस का। और साइड से गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी का लुक जो कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि R15 इंच के अलॉय व्हील्स। यहाँ पे R16 इंच नंबर दिया गया है टायर साइज का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिलते हैं, डिस्क ब्रेक। यहाँ पर साइड में लाइट मिलती है जो कि एक बेस मॉडल टाइप का फीचर लगता है। अभी भी ORVMs में ये लाइट शिफ्ट नहीं की गई हैं तो यहाँ पे ये लाइट मिलती है। ORVM में आपको यहाँ पे कैमरे का कोई ऑप्शन नहीं है 360। और यहाँ पे ORVMs अगर हम लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है, जैसे कि ये हमने लॉक किया तो ये देखिए फोल्ड ऑटोमेटिक हो रहा है, अनलॉक करने में भी अनफोल्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर का लुक, सामने आपको यहाँ पे एक सेंसर मिलता है वाइपर सेंसर जो कि यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से आता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम वाले ब्रेक मिलेंगे और ऊपर से गाड़ी का लुक इस तरह से है। पीछे देखेंगे तो गाड़ी में यहाँ पे आपको एक हेमोस्टिक लाइट मिलती है, एक यहाँ पे टारगेट एंटीना मिलता है, यहाँ पे डिफॉगर मिलता है, पीछे एक तरफ वाइपर मिलता है, यहाँ पे एक कैमरा मिलता है अल्ट्रोस का लोगो, और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइटिंग मिलती है। और गाड़ी को अगर ओपन करते हैं बूट को तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे मिलती है और ये पूरा यहाँ पे स्पेसिंग मिलती है, तो आप देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे देखते हैं गाड़ी के डोर्स में, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिलती है, चाइल्ड लॉक का बटन मिलता है, ORVMs के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉटल होल्डर यहाँ पे मिलता है, स्पीकर्स के लिए यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, देख सकते हैं। हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसमें। सीट को आप रिक्लाइनिंग कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें अगर हम टाटा अल्ट्रोस में, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आपको एक सन ग्लास होल्डर मिलता है, माइक मिलता है, एक लाइटिंग मिलती है, यहाँ पे आपको बैक्स कैमरा, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। हारमन का म्यूजिक सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि देख पा रहे हैं, और पूरी तरह से वेलकम फीचर के साथ ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलता है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलता है, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं। हॉर्न की बात करें तो इस तरह के हॉर्न मिलते हैं। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ओके इधर दिया हुआ है। यहाँ पे हाइट को आपको स्टीयरिंग की हाइट्स को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट मिलती है जो कि काफ़ी शानदार लगती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है, एसी को आप ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, सी टाइप चार्जर, USB टाइप चार्जर, और यहाँ पे एक होल्डर मिलता है
फिफ्थ गियर लाइक रिवर्स गियर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, और ये देख सकते हैं ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स है लैपटॉप रखने के लिए, यहाँ पे आपको एक और स्पेस मिलती है जो कि यहाँ पे आप लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाकी सामान होल्ड कर सकते हैं। अल्ट्रोस का लोगो, एसी वेंट्स, ऑलमोस्ट ये सारे फीचर जो हमने आपको दिखाए ये सब कुछ इसमें मिलता है। अंदर की तरफ इसमें कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, लाइटिंग आपको मिल जाती है अंदर, कूलिंग सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है, एक मोबाइल वगैरह होल्ड कर सकते हैं, पुश स्टार्ट बटन, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, लाइटिंग के लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, और ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलता है कुछ आइटम कैरी करने के लिए, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ साउंड सिस्टम, बॉटल होल्डर, ग्लास डाउन, क्रोम्स, पीछे यहाँ पे सीट्स के ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एक यूएसबी टाइप चार्जर, एसी वेंट्स, हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं, वहाँ भी हेडरेस्ट है। यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिलता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये है कप होल्डर, जो कप होल्डर नहीं है सिर्फ आर्मरेस्ट है, तो मार्केट फिट से अगर कराना चाहते हैं अगर मार्केट में, तो ये आपको कप होल्डर भी फिट हो जाएंगे अलग से, तो इसे कर देते हैं क्लोज। और डैशबोर्ड का कुछ ऑप्शन इस तरह से यहाँ से दिखता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऑनर खड़े हैं गाड़ी के, है ना, तो उनसे एक बार बात करते हैं। बताइए आपने नाम बताइए पहले अपना। सुखेंद्र जायसवाल। ओके, आपने ये गाड़ी प्लान किया है ना अल्ट्रोस, तो इसके पहले आपने और कौन सी गाड़ी देखी थी? मैंने स्विफ्ट देखी थी पहले, इससे पहले स्विफ्ट देखी थी, और उसके अलावा? उसके अलावा फिर हो गया मेरा प्लान स्विफ्ट का ही था, फिर ये देखा कि भाई 1.5 लाख इसमें ज्यादा लग रहे हैं, और इसकी विंड क्वालिटी भी अच्छी है, और तो दिखने में भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, टाटा सबसे मेन है, तो टाटा जो है ब्रांड, इसकी विंड क्वालिटी अच्छी रहती है, इसलिए मैंने फिर टाटा अल्ट्रोस चुना। ओके, तो अच्छा इसमें क्या चीज़ आपको और पसंद आई, कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो? अंदर आ जाओ। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको क्या चीज़ पसंद आया, वैसे कि बेसिकली जो गाड़ी में बेसिकली इसमें आर्मरेस्ट भी दे देता है, आर्मरेस्ट मिल गया इसमें, और इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है, बिल्कुल सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर के भी फीचर्स स्विफ्ट के मुताबिक थोड़ी अच्छे हैं। और इसमें जो वैसे फीचर की बात करें तो ये जब भी ये आते हैं नई मॉडल, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, अपडेट होती रहती हैं। इसमें एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे जो दी गई है बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। हार्मन का म्यूजिक सिस्टम जो कि बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये सारी मैंने ये गाड़ी चूज की। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी जैसे मारुति वगैरह की देखे, बलिनो, ये सब उनमें नहीं मिल पाती बिल्ड क्वालिटी, वैसे नहीं मिलती। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी अच्छा है इसका ड्राइविंग। ओके, तो कितना आपका इसका ऑन रोड पड़ गया वैसे, अगर भी देखा जाए? इसका ऑन रोड पड़ गया 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए, और फाइनेंस गई हुई तो और ज़्यादा पड़ गया। फाइनेंस में गई है 11.5 लाख में, कागज कंप्लीट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इस गाड़ी को जो है चुना, तो मेरे ख्याल से यार मारुति की गाड़ियों को बिल्कुल टच मत करिए, और ये जो टाटा की गाड़ी है उसकी बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी शानदार है, है ना, उनका एक अलग ही लेवल है, आप देख भी सकते हैं। और गाड़ियों को एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें, ब्रीजा या मारुति नेक्सा ये सब गाड़ियों में बिल्कुल मत फंसें, टाटा की गाड़ियाँ ही चूज़ करें, और मैं ज़्यादातर टाटा की गाड़ियों को प्रमोट करता हूँ। फिलहाल वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते फिर, बाय बाय दोस्तों।